नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग मेथड सीखेंगे। मेथड नंबर 8, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। चलो बच्चों, ये समझाऊं, इससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये नंबर लाइन आप देख चुके हो, मालूम है, 0, 1, 2, 3, -1, -2। आप स्टैंडर्ड 5 या 6 में थे ना, तो ऐसा आता था कि नंबर लाइन पर 2 बताओ, तो 2 जहां पर है वहां हम ऐसे राउंड करते थे, या नंबर लाइन पर -1 बताओ तो -1 है, कहीं जगह राउंड की जगह ऐसे एरो करते थे, मालूम है, ऐसे शो करते थे। बट सपोज ऐसा बोला है 2.3 बताओ या 2.7 बताओ, चलो 2.7 के लिए क्या करते थे, तो 2 या 3 के बीच में 10 पार्ट्स करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 7 बताते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हुआ हमारा 2.7। यहां तक तो ठीक है, बट ऐसा हुआ कि 2.786 बताओ, तो क्या करेंगे, तो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, तो यह 2 और 3 के बीच में 1000, जो हमने 10 लाइंस की ना, ऐसी 1000 लाइंस करनी पड़ेगी, तब हम 786 नंबर की लाइन बता पाएंगे। तो ऐसी 1000 लाइन ये दोनों के बीच में हो सकती है, क्या है आपका आंसर, नहीं हो सकती, यही सोचा ना, हो सकती है। चलो आप माइक्रोस्कोप लेके बैठ जाओ और छोटी छोटी लाइन करो, तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो बस यहां हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, मींस मैग्निफाइड ग्लास का यूज करेंगे। आप टेक्स्ट बुक में इसकी फिगर देखोगे ना, तो उसमें भी मैग्निफाइड ग्लास दिया हुआ है। हाँ, हम यहां पर मैग्निफाइड ग्लास ड्रो नहीं करेंगे, ड्रो कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूं। इसलिए यहां लिखा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, मींस इतने पोर्शन को इतना बड़ा करो कि बीच में 1000 लाइन हो जाए, तो हम कर पाएंगे। तो वो कैसे बड़ा करेंगे, वही इस मेथड में सीखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ओके, तो चलो 3.765 हमें शो करना है। अब यहां पर एक एक चीज देखो, सिर्फ 3 देखो, तो 3 कहां पर होता है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे हम 3 शो करते हैं। देखो यहां 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, यानी 3 पॉइंट है, तो 3 और 4 उसके 3 के बाद का एक नंबर होना चाहिए, तो इसीलिए 4 आए, इसीलिए थोड़ा 0 हमने इस तरफ लिया। अब आप खुद समझ सकते हो कि 3.765 3 और 4 के बीच में आएगा, कहां पर आएगा, 3 और 4 के बीच में, तो सिर्फ इतने पोर्शन को हम मैग्निफाइड ग्लास से देखेंगे, सही है ना, तो हमें मैग्निफाइड ग्लास ड्रॉ नहीं करना है। देखो दूसरी एक नंबर लाइन बनाते हैं, इस एंड पर 3 लेंगे और इस एंड पर 4 लेंगे, 3 का एरो ऐसे दिखाएंगे, 4 का एरो ऐसे दिखाएंगे। देखो इस पोर्शन को हमने बड़ा कर दिया, अब ये दोनों के बीच में हम 10 पार्ट्स में 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। देखो 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें 10 पॉइंट नहीं करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 0.9 करने पड़ेंगे, समझ सकते हो ना। सपोज एक लकड़ी है, हमें तोड़ना है और उसको उसके 2 टुकड़े करने हैं, तो हम तोड़ेंगे कितनी बार, तो एक बार ही तोड़ेंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक पॉइंट कम करेंगे। पहले पॉइंट को हम 3.1 बोलेंगे, दूसरे को 3.2, तीसरे को 3.3,
चौथे को 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9 के बाद 3.10 नहीं आएगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा, ये याद रखना बराबर। तो चलो अब हमारा 3 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 7, तो 3.7 कहां पर है, यहां पर, और उसके बाद का कौन सा नंबर 3.8, तो ये 3.765 ये दोनों के बीच में आएगा। तो अब ये दोनों को थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो 3.7, 3.8, 3.8 ओके। अब ये दोनों के को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके। अब दोनों के पीछे एक एक जीरो लगा दो, याद रखना पॉइंट के पीछे कोई भी नंबर हो और नंबर के बाद में जितने भी जीरो लगाओ उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता, मीन्स 3.7 लिखो, 3.70 लिखो, 3.700 लिखो या 3.7000 लिखो, सब एक ही चीज है। तो अब इसको हम शो करेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.80 हो गया। अब पॉइंट के पीछे दो डिजिट देखो, 3.765, तो 76, तो 76 कहां पर है, यहां पर, उसके बाद का नंबर 77। अब ये दोनों को फिर से जूम करके देखते हैं, तो 3.76 यहां पर, 3.77 यहां पर, 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, पीछे 0, 0 रख दो, तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब आप डायरेक्टली सोच सकते हो कौन सा नंबर था हमारा, 3.765, मिल गया 3.765, दिस इज अवर नंबर विच इज ऑन द नंबर लाइन ओके। देखो हमारा नंबर नंबर लाइन पे मिल गया। अब मैंने बताया था कि पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, तो ये दोनों के बीच में 1000 पार्ट्स में 3 और 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हमने किया, पहले 10 पार्ट्स, फिर ये दोनों के बीच में वंस अगेन 10 पार्ट्स, ये दोनों के बीच में 1 अगेन 10 पार्ट, 10 × 10 × 10 1000 हो गया। बट ये सब में डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी इसीलिए, और इसके बीच में डायरेक्टली अब नोटबुक में हम 1000 पार्ट्स नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इस मेथड का यूज किया। इसको यहां जोड़ेंगे, इसको यहां जोड़ेंगे, तो इस मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। चलो बच्चों, विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड ओके। तो देखो 4 डेसिमल प्लेसेस कट करना है, तो 4.26 बार मीन्स 4.2626, और यहां पर स्टॉप नहीं हो जाएगा, डैश 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 चलता ही रहेगा। तो आगे में जो हमने किया ना कि सपोज 262, तो यहां पर स्टॉप हो गया था, यहां पर ऐसा नहीं है, इसीलिए
इसमें लास्ट में थोड़ा डिफरेंट आएगा, ध्यान रखना, बट फोर डेसिमल तक करना है तो हम शो करते हैं। देखो 4.2 है सबसे पहले, तो अब 4 और 5 दोनों अलग अलग शो नहीं करता, सबसे पहले ही 4 एंड 5 दोनों में आपको यहां पर बता देता हूं, ये 4 ये 5 मिल गया। सबसे पहले दोनों के बीच में 10% डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, अब क्या है 4.2 यहां पर, और उससे ज्यादा है इसलिए ये दोनों के बीच में आएगा। तो नेक्स्ट फोर पॉइंट टू, फोर पॉइंट थ्री, 4.2 यहां पर, 4.3 यहां पर, ये 20 लिख दो, ये 30 लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब दो डिजिट तक देखो, 4.26, तो 26 यहां पर है, बट उससे भी आगे तो जाएगा ही, तो ये दोनों को अब जूम करना है, तो एक एंड पर 4.26, दूसरे एंड पर 4.27, पीछे जीरो, 10 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ओके। अब क्या है, थ्री डिजिट तक देखो, 262, तो 262 और उसके बाद क्या नंबर, 263। चलो ये दोनों को जूम करो, फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री, दोनों के पीछे जीरो रख लो। अब ये जो जूम किया था उसको मैं लाइन से बता देता हूं, ये और ये, इसको शो करते हैं। अब ये दोनों के बीच में 10 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। देखो बच्चों, यहां पर बोला है विजुलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के पीछे 4 प्लेसेस आए वहां तक ही बताओ, तो 4.2626 आ गया, देख लो बराबर। तो डायरेक्ट ये नंबर शो नहीं करना है फिर भी, क्योंकि डैश 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 है, बताना है यहां तक, बट डैश 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 है, यानी इसके आगे सोचो तो फिर से 2 आएगा 6 आएगा, 2 आएगा 6 आएगा, चलता ही रहेगा। तो 4.266, 2626 एंड 4.2627 के बीच में अप्रोक्स 6 के बाद 2 है, तो यहां पर हम नंबर शो करेंगे, ओके, और इसको लिखेंगे 4.26 बार, यानी ये 2626 है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है,
हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग चाहिए, इसीलिए थोड़ा आगे हम शो करेंगे आपको। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर देना है, ओके?